नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। हम अनंत श्री से लगातार उन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हम लोग ग्रस्त हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है डिप्रेशन और साथ। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है जिससे जन समाज और सेलिब्रिटीज कोई भी बचा नहीं है। ये हमारे छुपे हुए रूप में रहता है, हमको पता नहीं चलता है और हम जीवन जीते हैं। आज हम अनंत श्री से बातचीत में इसको समझेंगे और इसके गहरे पहलुओं को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मान लेते हैं, जीवन के केंद्र में अपने आप को रखते हैं, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार में, समाज में इसी चीज़ को तो महत्व दिया जाता है ना कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, कुछ ऐसा कर लो महत्वपूर्ण बन जाओ। और आप कह रहे हैं कि इसका शुरू से ही माँ बाप कहते हैं ऐसे ही रह जाओगे, कुछ महत्वपूर्ण भी बनो। तो इससे कैसे डिटैच हों? देखिए, जीवन में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ राई का पहाड़ बनता है, तो अगर पहाड़ बना है तो राई तो है कहीं पर। अब राई ये है कि इंसान महत्वपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसके मौलिक महत्व को देखने की दृष्टि धुंधली हो जाती है, तब वो उसके छद्म महत्व को, स्यूडो इम्पोर्टेंस को क्रिएट करने लगता है। पहले वो है और महत्वपूर्ण है, जैसे एक बच्चा हुआ बहुत दैवीय है, पूरी तरह महत्वपूर्ण है, फिर अब वो कुछ होगा हमको लगता है तब वो महत्वपूर्ण होगा, कुछ होगा। अब कुछ क्या होगा, प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, परिंदे, वो तो जो हैं सो हैं, महत्वपूर्ण है। इंसान जो है सो है, होके महत्वपूर्ण नहीं, वो कुछ और होके महत्वपूर्ण होगा। बुराई उसमें भी नहीं है, इंसान को संभावना मिली है तो उसको कुछ होना है, लेकिन उसको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये सब केवल पार्ट ऑफ ड्रामा है, कुछ होना, लेकिन वो हमारे महत्व के ऊपर अंकित नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को जब हम देखते हैं, धीरे धीरे हम व्यक्ति के वास्तविक महत्व को उकेरते हैं। वास्तविक महत्व को उकेरने में क्या है, उसकी जीवंतता का सम्मान करना, वो कभी खंडित नहीं होगा। जैसे किसी बच्चे को हम प्रारंभ से ही एक जीवंतता की तरफ ले जाएं, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति से उसको प्यार करें, ये कहाँ खंडित होगी, ये तो हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन उसने क्लास में टॉप किया है, उसने कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि की है, जब हम इससे उसका सम्मान और प्यार देंगे तो ये जगह जगह खंडित होगी, क्योंकि समाज अपने ढंग से सम्मान और महत्व देगा। जिस चीज़ को घर परिवार बहुत महत्वपूर्ण मान रहा था, समाज उसको बिल्कुल महत्वपूर्ण मानता ही नहीं, बिल्कुल, तो वहाँ ठोकर लगेगी। घर में आदत पड़ गई है बच्चे की अग्रिम पंक्ति में बैठने की, ये आदत तोड़नी चाहिए। हर घर में ये आदत है और बड़ी खतरनाक है। घर में बच्चे को समान साधारण जीवन जीना सिखाना चाहिए, उसमें भी उल्लसित रहता है। कौन बच्चा है जो उल्लास से भरा नहीं है अपने सामान्य होने में, लेकिन हम क्या है, माँ बाप को पीछे धकेल देते हैं, बाकी सबको पीछे धकेल देते हैं, सेंटर में बच्चा रहेगा, सेंटर, अब यही जो करेगा यही सब होगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसको इतना सेंटर में हम डाल देते हैं कि घर की सारी चीज़ें भी उसी के अनुसार होंगी। बच्चा कैसा फर्नीचर चाहेगा, बच्चा कैसा पर्दे चाहेगा घर के, वो कौन सा टीवी पसंद करेगा, वो कौन सी कार पसंद करेगा। बाजार भी फिर इसका शोषण करता है, बाजार विज्ञापन में बच्चे दिखाएगा कि बच्चा पसंद कर रहा है कि ये वाली चीज़ होनी चाहिए, तो माँ बाप बच्चे को ले जाएंगे। अब घर में मान लीजिए कोई बड़ी निर्णय की बात है, बच्चे से पूछा जा सकता है लेकिन उसके मन की ही की जाए, ये ज़रूरी नहीं। तो व्यक्ति को प्रारंभ से पता होना चाहिए कि जीवन में कुछ मन का होता है, कुछ मन का नहीं होता है, सब कुछ हमारे मन का ही नहीं होता। खाना बनेगा घर में तो कभी तुम्हारे मन का बन जाएगा, कभी मेरे मन का, कभी उनके मन का, लेकिन अगर हम कहेंगे इसी व्यक्ति के मन का बनेगा, तो वो फिर एक स्यूडो इमेज उसके अंदर पैदा हो रही, वो एक दिन निराश हो जाएगा। अब इसमें वो ये भी सीख नहीं रहा है कि तुम्हारे अलावा दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं, तुम ही महत्वपूर्ण नहीं हो, दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब चीज़ें, बच्चे की जिद, उसके नखरे, ये जो हम पैदा करते हैं, वो सब इसीलिए क्योंकि हम उसको सिखा रहे हैं इम्पोर्टेंस का एक झूठा जाल। बचपन मैंने भी जिया, अब देखिए सभी को पता है माँ नहीं रही बचपन में, काम भी कर रहे थे, तो नखरे वाला जीवन मैंने कभी देखा ही नहीं। अपने आप गए, अपनी प्लेट ली, अपना खाना निकाला, अपना बर्तन धुला, अपना रख दिया।
जो है वही खाया, आपको ये पूछने वाला तो था नहीं कि भिंडी नहीं खाओगे कि मटर नहीं खाओगे कि हम नखरे करें, अकेले बैठ के तो नखरे नहीं करेंगे कि अब हम भिंडी नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, जो है वो खाना है। मैं इसलिए इस बात को जोर दे के कहता हूँ, ये बचपन तो मैंने जिया है, मैं जानता हूँ बच्चा तो खाएगा, उसको पता है हमको भूख लगी खाना है, लेकिन आम घरों में देखो खाना खिलाना माँ बाप, मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं, उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, सब खा लेगा, छोड़ दो उसको, भूखा रहेगा शाम तक, शाम को चुपचाप खा लेगा, लेकिन उसको इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, उसको सीखने दो कि जीवन में सभी कोई महत्वपूर्ण है, उसको अग्रिम पंक्ति में सेंटर में रहने की आदत को हटाया जाए, फिर उसको धक्के कम लगेंगे, जब धक्के कम लगेंगे तो अवसाद भी कम पकड़ेगा। तो व्यक्ति अपने मौलिक पहचान को देखे कैसे, जैसे आपने कहा कि वो अपने मौलिक महत्व को, अपनी जो उसकी पहचान है उसको महत्व दे। मौलिक पहचान देखिए ऐसे तो नहीं ढूंढ पाएगा, प्राथमिक मौलिक पहचान है उसका होना, उसका सेंस ऑफ बीइंग, उसका होना। अब इसके अलावा जो कुछ भी है उपलब्धियाँ सफलताएँ, इनको उसे एक खेल की तरह ही देखना पड़ेगा कि ये जीवन में जोड़ी जाती हैं, लेकिन इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे जीवन से, हमारे होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तब वो गिरेगा नहीं ना, वो टूटेगा नहीं। अभी तो क्या है, वो जो सेंस ऑफ बीइंग है उसका, वो एम्प्टी है, वो भर रहा है बाहर की चीज़ों से, किसी पद उस पर पहुँच गया, आर्थिक किसी स्टेटस पे पहुंच गया तो उसको लगता है मैं कुछ हूँ। तो ऐसे लोगों को भी देखो, वो चलते भी सीधे सीधे कहाँ हैं, टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं। सेलिब्रिटीज़ का जो डिप्रेशन है वो इसीलिए है कि जब जीवन अच्छी दिशा में था तो सीधे सीधे साधारण साधारण चलना चाहिए था, तब टेढ़े टेढ़े चलते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। जब वो ग्राफ नीचे गिरता है तो रोना धोना शुरू हो जाता है, उनको लगता कुछ छिन गया। अपनी सफलता को ऐसे देखना चाहिए था, ये अस्तित्व का उपहार है, लेकिन अपने इंसान को पहले रखना है, इंसान को जिसको हम कहते हैं सामाजिक रूप से, वही हमारा सेंस ऑफ बीइंग। हमारी बीइंग पे क्या फ़र्क पड़ा, हमारी बीइंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप रंग थे कि राजा थे, आपकी बीइंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी जब बीइंग बिल्कुल खाली एम्प्टी है, एम्प्टी तब है जब उस पर फोकस नहीं है, बीइंग तो कभी एम्प्टी नहीं होती, बीइंग तो ऑलवेज फुलफिल्ड है, लेकिन बस एम्प्टी ये है कि उधर फोकस नहीं है, फोकस इधर चला गया तो उसको लगता है इससे हम भरे गए हैं, तो जिससे हम भरे गए हैं उससे ही हम मरेंगे, ये समस्या। इसी परिप्रेक्ष्य में आपका एक ध्यान सूत्र मैंने सुना था कि आप कहते हैं कि कुछ नहीं होने का एहसास आपने बताया था, तो हम सभी कुछ होने का दौड़ में है, कुछ होने की दौड़ में है, बिल्कुल, और ये भी एक अवसाद की तरफ ही ले जाता है, अवसाद की तरफ ही ले जाता है, कुछ होने की दौड़। जीवन में वही व्यक्ति अवसाद मुक्त हो सकता है, निराशा मुक्त हो सकता है, चिंता मुक्त हो सकता है, तनाव मुक्त हो सकता है, और वही व्यक्ति सही अर्थों में प्रसन्न हो सकता है जो कुछ नहीं, जो ये जान चुका है कि मेरा होना कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब एक बड़ी सहज सामान्य अवस्था, जैसे पेड़ पौधे, सब मैं कहता हूँ प्रकृति, सब कुछ है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह अपनी तरह से है। अब कुछ होने को देखिए समाज कैसे धक्का देता है और धर्म कैसे बढ़ावा देता है, दोनों चीज़ें देखिए। धर्म में व्यक्ति एक काल्पनिक भगवान ले आता है, उसकी पूजा करता है, कोई काल्पनिक देवी देवता ले आता है, कोई गॉड खुदा ले आता है, उसकी आराधना पूजा करता है। अब वो ये मानना शुरू करता है कि वो जो देवी देवता है, वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो हमारे ऊपर ध्यान दे रहा हो, हमारे ऊपर ध्यान दे रहा हो। इस बात को देखिए कि कितनी सटल और कितनी खतरनाक है, हमने अपने को इतना महत्वपूर्ण मान लिया कि हमारे ऊपर ध्यान दे रहा होगा, हमारे ऊपर क्यों ध्यान दे रहा होगा, हम इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि हमारे ऊपर ध्यान दे। इसको अगर हम ईश्वर देवी देवता हटा दें, हम उसको एक अस्तित्व कायनात प्रकृति की तरह देखें, तो क्या प्रकृति हमारे ऊपर ध्यान दे रही है एज इंडिविजुअल? एज इंडिविजुअल तो प्रकृति हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही, प्रकृति एज ए होल चल रही है। तो अगर हम कोई ईश्वर की अवधारणा लें तो वो समग्रता से चल रही है, व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन धर्म ने उसको क्या सिखाया
यूं तो बड़ी विनम्रता दिख रही है, हाथ जोड़ के बैठा है, भजन कर रहा है। भक्त को लोग बड़ा विनम्र मानते हैं, लेकिन ढूंढने जाइए भक्त से ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं पूजा करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं ये कर दूँगा। हनुमान जी सूरज निकल गए थे तो मैं कम से कम ट्यूबलाइट तो निकल ही जाऊँगा। निकल जाओ ट्यूबलाइट, तो ये तो काम करने नहीं जाओगे। फिर स्टूडो जो चीज़ें चलती हैं धर्म में, चमत्कार, ज्योतिष, वो भी खतरनाक हैं। क्यों खतरनाक हैं ज्योतिष को मैं क्यों खतरनाक कहता हूँ? ज्योतिष जैसे कोई भी विज्ञान जो चले, ये चांद, तारे, ग्रह नक्षत्र, सूरज, ये आपको प्रभावित करें, ये आप में रुचि ले रहे हैं। और साथ से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर ज्योतिष के पास भी जाते हैं। ज्योतिष के पास तो पहले ही जाता है वो। ज्योतिष के पास ज़्यादा चक्कर लगने लगे, इसको भी अवसाद के लक्षणों में गिनना चाहिए। मनोविज्ञान ने इस लक्षण को डाला नहीं उसमें। ज्योतिष के पास ज़्यादा जाने लगे, मंदिर में सुबह शाम मत्था टेकने लगे, जो व्यक्ति दिया नहीं जलाता था रोज़ दिया जलाने लग जाए, रोज़ शास्त्र पढ़ने लग जाए, तो देखना चाहिए कि ये अवसाद की तरफ जा रहा है। महिलाओं में तो ये बड़का बिल्कुल परिलक्षित है। अपने परिवेश में देखिए, सत्संग में, वो सत्संग अक्सर जो दोपहर के भोजन के बाद आयोजित होते हैं, अपने यहाँ के समाज में अक्सर दिखता है कि दोपहर का भोजन निपट गया 3 से 4 के बीच के, तो बड़ा हॉट टाइम रखते हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाया, मतलब आप समझ गया, पहले मैं समझ नहीं पाता था कि 3 से 4 का, ये 4 से 5 का ये हॉट टाइम कौन सा सत्संग का होता है। अरे भाई सुबह रख लो, शाम को इत्मीनान से रख लो। फिर किसी ने मुझे बताया तो मुझे इनलाइटनमेंट हुआ। हमने कहा ये बिल्कुल ठीक है। उसने कहा एक्चुअली महिलाओं को ज़्यादा आना होता है, तो घर में अपना खाना वाना निपटा के और शाम की चाय के पहले उनको लौटना होता है। अब घर में सबको शाम की चाय देनी है तो 3 से 4 सत्संग कराएं। तो ये निराश, अवसादग्रस्त जीवन से बुझी हुई जो महिलाएं हैं, ये सत्संग में जा रहे हैं। तो अगर किसी के घर की कोई महिला लगातार सत्संग में जाने लगे या उधर कोशिश करने लगे, और वो भी उस ऑड टाइम पर, उसको अवसाद के लक्षण में डाल देना चाहिए, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, इसको शायद चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है। तो ज्योतिष के पास जाने वाला, मंदिर में मत्था टेकने वाला, बेवजह बेवक्त शास्त्र पढ़ने वाला, बेवजह बेवक्त सत्संग जाने वाला, ये सब अवसाद के सिम्टम में है। ये एक नया आपने जोड़ दिया। अनंत श्री मेरे एक जानने वाले हैं, तो एक बार उनकी किसी से लड़ाई हुई थी। वो बात इतनी ज़्यादा घर गई कर गई थी उनके अंदर कि अब मेरे जानने वाले हैं, तो हम लोग जब कभी वहाँ से गुजरते थे तो उनका फ़ोन आता था कि वहाँ से मत जाना, कहीं वो तुम्हें मार ना दे या कुछ कर दे। तो मुझे लगा कि एक ही व्यक्ति से ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर उनके किसी से बातचीत नकारात्मक ढंग से हुई तो उनसे भी उनका यही चीज़ था कि उधर मत जाना, वो तुमको मार देगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कर देगा। तो अक्सर वो फ़ोन पर कहते थे कि उधर मत जाना। तो जब उनका, उनको डॉक्टर से दिखाया गया, डॉक्टर ने दवाई दी उनको, जब वो दवाई ले लगातार ले रहे थे तो उनको आराम था। जैसे ही उन्होंने दवाई छोड़ी, ये चीज़ और ज़्यादा गहरे रूप से उभर गई। तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इसके मनोविज्ञान को समझने के पहले इसकी टेक्निकलिटी को भी देख लेना चाहिए। इस स्थिति को हम सीधे डिप्रेशन में नहीं ले जाते हैं, डिप्रेशन की ही एक ब्रांच होगी। ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, ये पैरानोइया हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति कुछ ऐसी काल्पनिक दुनिया अपनी बसा लेता है जिसको जीने लगता है, अज्ञात भय, अज्ञात शत्रु, मात्रा बढ़ा लेता है चीज़ों की, जो भी परिस्थिति जितनी खराब नहीं है उतनी उसकी मात्रा बढ़ा लेता है। तो ये उसी का एक, देखा जाए डिप्रेशन की तरफ जाती हुई अवस्था ही थी, जो थोड़ी और डिरेल्ड हो गई और उसमें चली गई। एक ये चीज़ हो गई, और इसी में एक चीज़ और थोड़ी विकृत हो जाती है तो वो मैनिक डिप्रेशन में चली जाती है। ये बाइपोलर और पैरानोइया में जाएगी। मैनिक डिप्रेशन वाला व्यक्ति बहुत एक्टिव भी हो जाता है। जैसे ये वाला व्यक्ति तो डरा हुआ घर में बैठा है, और मैनिक वाला मारने निकल भी लेगा, काल्पनिक दुश्मनों से लड़ने भी निकल लेगा। तुमको अगर उसने मान लिया कि तुम दुश्मन हो तो आ जाएगा लड़ने, वो मैनिक डिप्रेशन का शिकार हो गया। ऐसी अवस्था का तो यूँ देखा जाए चिकित्सकीय समाधान ही हमको ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर
रासायनिक परिवर्तन हो चुके हैं उसके मस्तिष्क के अंदर, और स्थितियां आज इतनी ख़राब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए हमको पहले से ही काम करने पड़ते हैं। तो अच्छा हो पहले से काम किए गए हों, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फंस गया है इस अवस्था में तो प्राथमिक तो चिकित्सा से डरना नहीं चाहिए, और उसके बाद फिर उसको यथार्थ की जो शिक्षा है वही देनी चाहिए, समझाना चाहिए। इसीलिए जब बुद्धों ने करुणा की, मैत्री की शिक्षा दी तो लोगों को लगता है ये बड़ी आदर्शवादी बात है, कोई नैतिकवादी बात है। ये नैतिकवादी बात नहीं, ये मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के सूत्र हैं। अगर किसी व्यक्ति ने करुणा अर्थात मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं, जो मुझे चाहिए जीवन में वो दूसरे को भी चाहिए, इसी से तो करुणा उपजेगी। मैत्री सब अंतर संबंधित है और हमें पारस्परिक सहयोग से ही जीवन में चलना है, तो ये मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के सूत्र हैं, ये आदर्शवादी नैतिक बातें नहीं हैं। स्वास्थ्य बिगड़ता ही तब है जब व्यक्ति ने दूसरा पहलू तोड़ दिया, दूसरा महत्वपूर्ण नहीं मैं महत्वपूर्ण, उसको जीना नहीं हमको ही जीना है, अंतर संबंध उसने तोड़ दिया, तो उसको करुणा मैत्री इन सब की शिक्षा में ले जाना पड़ेगा, और उसको विशुद्ध ध्यान की तरफ हमको खींचना पड़ेगा। ध्यान कोई कल्पना वाला ध्यान नहीं, ध्यान कि वो अपनी प्रेजेंस से, अपनी बीइंग से जुड़ सके, अपने होने से जुड़ सके, इस तरह से हम उसकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो उदाहरण ले रहे हो उसकी प्राथमिक सहायता तो चिकित्सकीय ही होगी। एक प्रश्न और आनंद श्री, जैसे आप जिन चार स्तंभों की आप बात करते हैं, प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता, तो क्या डिप्रेशन असमस्वरता है, डिसहारमनी है? डिप्रेशन वस्तुतः देखा जाए इन चारों चीज़ों का टूट जाना है। अच्छा, और जब मैं भी इन सूत्रों को दे रहा हूँ तो इनको भी मनोवैज्ञानिक सूत्र समझना चाहिए। ये चारों बातें ही व्यक्ति के वास्तविक होने के गुण हैं, प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता। अब डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि केवल समस्वरता बिखर रही है, ये चारों इंटीग्रेटेड जुड़े हुए हैं। समस्वरता तो एक लय है पूरे जीवन से, वो लय हमको टूटती हुई किन कई पहलुओं पे दिखाई दे सकती है, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पर भी ध्यान देना बंद कर दिया है, उसने शांति पर भी ध्यान देना बंद कर दिया है, उसने प्रेम पर भी ध्यान देना बंद कर दिया है। प्रेम संबंध की तरह नहीं, प्रेम अतिशय संवेदनशीलता की अवस्था जो मैं कहता हूँ वो है उस पर। तो ये अगर चारों बातें ही व्यक्ति के जीवन में हम रचा बसा दें और इनको सींच कर वो अपने भीतर चले, अब वो अपने ओरिजिनल बीइंग में है। अब ऐसे व्यक्ति को कल्पना ही करके देखें डिप्रेशन कैसे पकड़ सकता है। हमारी हैप्पीनेस समस्वरता चूँकि जुड़ा हुआ है हैप्पीनेस से, तो अंतर संबंध जुड़ा हुआ है, तो अकेले हमारे ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल, हमारी प्रसन्नता भी समग्रता पर खड़ी होगी। हम तुम्हारी आँख में आंसू लाकर तो प्रसन्न नहीं हो सकते, तो मुझे तुम्हारी प्रसन्नता की भी फिक्र है, मुझे उसकी प्रसन्नता की भी फिक्र है, वस्तुतः मुझे पूरे अस्तित्व की प्रसन्नता की फिक्र है। वही बात शांति की है, दूसरे को अशांत करके हम शांत कैसे हो सकते हैं? जीसस जैसे कहते थे ना कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो, तो लोग लगता था कि आदर्शवादी बात है, आदर्शवादी बात नहीं है। बुद्धा जब भी कोई बात कहते हैं बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं, प्रेम अपने ही घर में थोड़े सींचा जाएगा, प्रेम की दृष्टि तो व्यापक होगी, शांति की दृष्टि व्यापक होगी, तो चारों तरफ हम इन चीज़ों को सींचेंगे। और ये सारी बातें अगर देखें चारों, ये सर्वथा साधारण है, इनमें सांसारिक असाधारणता जैसा तो कुछ भी नहीं है। एक शांत व्यक्ति बस शांत है, जैसे नदियाँ शांत हैं, जैसे आसमान शांत है, इसमें असाधारण क्या है? लेकिन व्यक्ति असाधारणता खोजने में ही बीमार है। अवसाद में गया व्यक्ति दूसरों को भी शांति से रहने नहीं देता, प्रसन्नता उसकी देखना नहीं चाहता। देखिए, शुरुआत तो ये होती है कि ये बीमारी के पहले सुबुगाहट है, जो ऐसा कर रहा है वो एक दिन अवसाद में जाएगा। अच्छा, पहले तो वो जानबूझकर कर रहा है, जानबूझकर छेड़खानी करना, जानबूझकर परेशान करना, ये वैसी ही बात है जैसे
हमको ये पता ना हो कि हम अगर पड़ोस में आग लगाने जाएंगे, इधर आग लगाने जाएंगे, और हम ये भूल जाएं कि आग तो आग है, वो फैलकर अभी हमारे घर में भी आ जाएगी। आग को कंट्रोल करने का कोई ऐसा फार्मूला तो है नहीं। तो अभी शुरुआत में तो ये व्यक्ति जानबूझकर दूसरों को परेशान करने के काम कर रहा है, यानी आग लगा रहा है। फिर वो आग उस तक भी आएगी, वो स्वयं परेशान होना शुरू हो जाएगा। फिर जब वो क्लिनिकली डिप्रेशन में चला जाएगा, तब वो चाहे ना चाहे वो परेशान करेगा। भाई जब उस पर दौरे पड़ेंगे, उपद्रव करेगा, तो वो अनचाहे लोगों को परेशान करेगा। लेकिन बीज उसने पहले ही बोए थे, ये बात बताने में कहाँ समस्या है। अगर हम बचपन से लेकर बड़े तक किसी को भी समझाएं, आग लगाओगे तो उसकी आँच तुम तक भी आएगी। बुद्ध जिसको कहते थे ना कि अंगारा अगर किसी को फेंकोगे तो हाथ तुम्हारा ही जलेगा। वो तो बाद में जलेगा तो जलेगा, हो सकता है वो झुक के बच भी जाए, लेकिन तुमने उठाया था, तुम तो जल चुके हो। तो जब हम दूसरे को परेशान करने निकलते हैं तो हम परेशान तो हो चुके हैं। आनंद सर, जैसे आपने महत्वपूर्ण होने वाली बात बताई, तो आजकल देखा जाए सोशल मीडिया काफ़ी चल रहा है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी तो एक झूठा महत्व दे देता है व्यक्ति को, और व्यक्ति उसके पीछे लगा हुआ है, वो अपनी रील्स डाल रहा है, वो सेल्फी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट हूँ। लोग उसको लाइक करते हैं, ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ तो इमेज मेरी बन गई है। और जरा सा ही अगर उसके फॉलोअर्स गिरते हैं, लाइक्स कम आने लगते हैं, तो वो डिप्रेशन में चला ही जाता है। तो ये क्या है, इसका मनोविज्ञान क्या है? ये मनोविज्ञान इसका कुछ नहीं है, इसका बाजार है। बाजार मनोविज्ञान को बड़े अच्छे से समझता है। जो लोग बाजार चलाते हैं वो लोग मनोविज्ञान जानते हैं। विज्ञापन वाले कितना मनोविज्ञान जानते हैं, व्यक्ति के मन से ही तो खेलते हैं। तो जिन कुशल लोगों ने देखा कि व्यक्ति अपने को महत्वपूर्ण समझने की बीमारी से ग्रस्त है, उन लोगों ने ही धीरे धीरे सोशल मीडिया का आविष्कार कर लिया। सोशल मीडिया ने देखा जाए व्यक्ति को बड़े जोर शोर से उसके झूठे महत्व की ओर धकेल दिया। पहले जितना कठिन था वो आसान हो गया है। एक व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है सोशल मीडिया पर, कितनी भी फोटोएं डाल सकता है। मनोविज्ञान ने तो अब, जैसे सेल्फी की बात हो गई, तो मनोविज्ञान ने सेल्फी की एक बीमारी भी कैटेगराइज कर दी है, सेल्फाइटिस। अगर आप रोज़ 5 या 5 से अधिक सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो आप सेल्फाइटिस के पेशेंट हो गए, और अगर आप 20 फोटोस डाल देते हैं तो आप एक्यूट सेल्फाइटिस के पेशेंट हो गए हैं। तो इस सेल्फाइटिस एक नई बीमारी में आ गया। अब सेल्फाइटिस या सेल्फी क्या थी, एक सेल्फ इमेज थी। पहले व्यक्ति कोशिश करता था कि एक अच्छी फ़ोटो खिंचवाने जीवन में, बड़े बड़े लोगों की अच्छी अच्छी फ़ोटो देखता था। तो अब कैमरे अच्छे आ गए, कैमरों में फिल्टर अच्छे दे दिए, एडिटिंग अच्छी दे दी, तो इससे क्या हो गया है कि बड़ी आसानी हो गई है। व्यक्ति ने फ़ोटो खींची, 10 फोटो खींची, फिर उसमें 20 फिल्टर लगाए, उसके बाद उसको लगा कि ये बढ़िया फ़ोटो आ गई, इसको डाल देते हैं। अब एक झूठी फ़ोटो पर उसको झूठे लाइक्स आने लगे, झूठे कमेंट्स आने लगे, वो खुश हो गया, उसकी एक झूठी इमेज समृद्ध हो रही है। और अभी रही सही कसर AI ऐप्स पूरी कर दे रहे हैं, यानी कि आप जितने अच्छे नहीं दिख रहे हैं उतना अच्छा आपको AI ऐप बना देगा। लेकिन हम उतना अच्छा क्यों दिखना चाहते हैं जितने अच्छे नहीं हैं? हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं हो सकते हैं? थोड़ा बहुत ठीक होना तो लाजिमी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक झूठी छवि में जाना वो गलत है। सामान्य रूप से देखिए, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनना वो सब तो ठीक है, लेकिन कपड़ों में ही उतर जाना कि कपड़ों से ही हमारी छवि बनती है, वो सब खतरनाक है। तो सोशल मीडिया भी आज के दौर में डिप्रेशन को धक्का देने का एक बड़ा कारण बन गया है। उस पर भी हमें विजिलेंट होना पड़ेगा। बड़े भी उसके शिकार हैं, बच्चे भी उसके शिकार हैं। कायदे से तो बच्चों को एक परिपक्व उम्र के पहले सोशल मीडिया से एक्सपोज करना ही नहीं चाहिए, उनको अब जीने देना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा दिखाई नहीं देता है। बड़े लोगों को भी उससे बचना चाहिए, झूठी छवियों से बचना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए। सोशल मीडिया का मैं विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि एक शक्तिशाली उपकरण हमारे पास है। जिस तरह से नकारात्मकता उसके माध्यम से प्रसारित की जा रही है,
उसी के माध्यम से हम सकारात्मकता भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये पॉडकास्ट भी तो लोगों को दे रहे हैं, जिससे लोग बातें समझेंगे, तो अच्छी बात है। सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन हमेशा जैसे समाज में चालाक लोग रहे हैं, धूर्त लोग रहे हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो हर परिस्थिति का शोषण करना चाहेंगे, तो उस परिस्थिति में ये झूठी छवियों को शोषित करने का भी एक तरीका है। तो उससे भी हमें बताना होगा लोगों को, अगर लोग सुनेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे बातें जाएंगे, तो वो शांत हो जाएंगे। क्योंकि मूल रूप में मैं देखता हूँ कि व्यक्ति शांत होना चाहता है, प्रसन्न होना चाहता है, प्रेमपूर्ण रहना चाहता है, संसरित रहना चाहता है, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। ये सब उत्तेजना बढ़ा रही हैं चीज़ें, व्यक्ति को एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धक्का दे रही हैं जहाँ वो परेशान है। परेशान होकर कौन जीना चाहता है? तो सोशल मीडिया के ही उपयोग से हम लोगों तक ये बातें भी ले जा सकते हैं। एक अनंत श्री लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली बात बताई, काफ़ी नई बात है और लोग इससे हो सकता है थोड़ा विचलित भी हों, क्योंकि अभी तक तो उन लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखा है। जैसे कुछ बुजुर्ग होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं अपनी जॉब वगैरह से, तो अक्सर देखा गया कि रिटायरमेंट के बाद अचानक उनका जो मानसिक स्थिति होती है, उनकी जो स्वास्थ्य वाली स्थिति होती है, वो एकदम डावाडोल हो जाती है, वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसको हमें कैसे देखना चाहिए? ये भी उसी छवि पर आधारित चीज़ है, क्योंकि इसका दूसरा पहलू भी देखो, जो लोग व्यवसाय में हैं वो अगर आंकड़ा निकालेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, तो वो कम डिप्रेशन में जाते दिखेंगे, क्योंकि व्यवसाय तो वो करते जा रहे हैं, वो उसमें रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है, वो चाहें तो रिटायर हो सकते हैं, उनकी स्वेच्छा पर है। लेकिन एक व्यक्ति एक पद पर गया तो उसने उस पद से अपनी इमेज बना ली। व्यवसायी आज के दौर में इमेज बनाने लगे हैं, उसमें भी सोशल मीडिया और पेज 3 का रोल है। लेकिन अगर वास्तविक दौर में देखें, व्यवसायी बेचारा, उसकी अपनी कोई इमेज नहीं होती, वो व्यवसाय कर रहा है, धनार्जन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो कुछ और करता है, तो उससे वो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर व्यवसायी भी अगर बनाएगा अपने स्टेटस, अपने घर, अपनी गाड़ियाँ, अपनी जो संपदा का दिखावा है, उससे अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर सकता है, जो कि बहुतायत में बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, वो खतरनाक है। लेकिन जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, उन्होंने अपने को अपनी छवि में कैद कर दिया था। आप जिस पद पर थे वो तो आप नहीं थे, अब उनकी जीने की आदत पड़ गई, वो वैसे ही बने रहना चाहते हैं, वही उनको खा जाता है। अगर वो एक बार ये समझ लें कि भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं कोई बड़े पद पर चला गया, आप एक रोल कर रहे थे, कभी नहीं कर उससे हट गए, हट जाइए पूरी तरह, लेकिन वो हटेंगे नहीं, उनको वो जो मिल रहा था सम्मान, चारों तरफ निकलने में जय जयकार, उनको वही सब चाहिए, तो हट नहीं पाते हैं ये लोग। उनको हटने की बात सीखनी पड़ेगी। जॉब एक केवल रोल प्लेइंग है, उससे कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन लोग महत्व तो बताते, कोई पूछे और आप क्या हैं, तो आप बड़े शान से बताएं मैं ये हूँ। इसमें शान की बात क्या है? आपको एक भूमिका मिली थी, एक रोल मिला था, आप प्ले कर रहे थे, इसमें इतनी शान पट्टी की ज़रूरत क्या थी? तो वो चूँकि उससे इतना जोड़ लेते हैं अपने को, तो धराशाई हो जाते हैं उसके बाद में, तो वो समझ लानी पड़ेगी उन लोगों को भी। डिप्रेशन चूँकि एक बहुत ही गंभीर समस्या है और ये काफ़ी व्यापक विषय है, आज हमने अनंत श्री से कुछ पहलुओं को स्पर्श किया है बातचीत में, कुछ पहलू इसके जो स्पर्श नहीं किए गए हैं अभी, उसको हम अगले एपिसोड में ज़रूर लेंगे। आशा करता हूँ कि जो भी अनंत श्री से बातचीत में आपको अंतर्दृष्टि मिली होगी, उससे हम अवसाद को पहचानने में और उससे उबरने में ज़रूर सक्षम होंगे। नमस्कार।